भगवान कृपा करके हमारे अंदर भी जो असुर बैठे हैं, जो तमोगुण बैठा है, अहंकार घुसा हुआ है, काम क्रोध आदि दुर्विकार घुसे हुए हैं, आप अपना कठोर परसा लेकर के उन सब का भी संहार कर दीजिए और हमारे हृदय को भी आप जो है धर्म से भक्ति से भर दीजिए। हमारे हृदय में भी धर्म की संस्थापना हो जाए, क्योंकि जिसके हृदय में धर्म की संस्थापना नहीं है वह मनुष्य कहलाने योग्य नहीं है। धर्मो ही विशेषो, मनुष्य में विशेष क्या है? बोले मनुष्य में विशेष धर्म है। धर्म की प्रतिष्ठा नहीं है तो वो मनुष्य ही नहीं है, तो पशु है। तो भगवान परशुराम हमारे अंदर जो दुर्विकार है उन सब का नाश करके, उन सब को समाप्त करके हमारे हृदय में धर्म की स्थापना करें, हमारे अंदर भक्ति की स्थापना करें और हमारे अंदर श्री सीताराम जी, भगवान राधा कृष्ण जी आकर के विराजमान हो, ऐसी योग्यता हमें प्रदान करें। आज की स्थिति में घर में मिट्टी का घड़ा भर के उसकी पूजा की जाती है, जल का घड़ा भरा जाता है, जल की पूजा, जल कुंभ की पूजा, विविध प्रकार की वस्तुओं का दान, जल कुंभ की पूजा आज के दिन होती है घरों में। मिट्टी का घड़ा रखा जाता है, उसको 7 घड़े किसी के यहाँ पूजे जाते हैं, कोई 5 घड़े रखे जाते हैं और घड़े रख करके उनकी पूजा की जाती है। अन्न और धन की, अन्न और जल की पूजा होती है, उसका प्रयोजन यह है कि आज की इस अक्षय तिथि में हमारे यहाँ ठाकुर जी की ऐसी कृपा हो कि हमारे यहाँ से अन्न और जल कभी समाप्त ना हो, क्योंकि जीवन के लिए अन्न जल तो बहुत आवश्यक है। तो अन्न जल हमारे यहाँ खूब भरा रहे, ठाकुर जी खूब कृपा करें। आज के दिन जो कुछ भी कार्य किया जाता है, आप जो नाम जप कर लेंगे, जो कथा श्रवण की जा रही है, जो व्रत करते हैं, दान करते हैं, कोई पूजा करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, उस सब का फल अक्षय हो जाता है। अक्षय का मतलब उसका क्षय नहीं होगा, नाश नहीं होगा। तो आज हम लोग श्री भक्तमाल जी के माध्यम से भक्त राज श्री नरसिंह जी का पावन चरित्र सुनने जा रहे हैं, आरंभ कर रहे हैं। भगवान कृपा करें कि श्री नरसिंह जी का जो दिव्य चरित्र है उसके माध्यम से हमारे हृदय में भी युगल सरकार का प्रेम प्रकट हो जाए, क्योंकि नरसिंह जी जो भक्त हैं, आगे हम लोग सुनेंगे, ये युगल के उपासक हैं और यह है जो है माधुरी रस के उपासक हैं, माधुरी भाव के भक्त हैं नरसिंह जी। भगवान शंकर ने इनको नित्य रास में पहुंचाया है और नित्य रास में पहुंचे हैं तो किस भाव से? सखी बनकर के पहुंचे हैं, गोपी बनकर के। भगवान शंकर भी गोपी बनते और नरसिंह जी को भी गोपी बनाते, आगे हम लोग कथा सुनेंगे। तो नरसिंह जी जो हैं वो माधुरी रस के उपासक हैं, हम सबके हृदय में भी वह माधुर्य प्रकट हो जाए जिससे हम भी प्रिया प्रियतम की किंकरी बन जाए, उनके दास बन जाए और प्रिया प्रियतम की सेवा में लग जाए, प्रिया प्रियतम का प्रेम हमें प्राप्त हो जाए, युगल सरकार के चरणों में प्रेम हो जाए। तो अक्षय तृतीया में कथा हो रही है उसका यही अक्षय फल हो। अक्षय क्या है? इन नाखों से जितना जो कुछ दिखाई दे रहा है पंकज जी, वो सब नाशवान है। तो हम चाहें कि इस अक्षय तृतीया के द्वारा या किसी ठाकुर जी के अविनाशी स्वरूप के द्वारा हमें धन मिल जाए, पद मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, तो ये सभी चीजें परिणाम में विनाश करने विनाश वाली है, नष्ट होना है। अविनाशी कौन है? ठाकुर जी हैं। तो बोले अविनाशी उस प्रभु से हमारा प्रेम हो जाए, राधा गोविंद के चरणों में हमें अनुराग हो जाए, यही इसका मूल फल है। भगवत चरणों में प्रेम प्राप्त हो जाए, नरसिंह जी का पावन चरित्र भक्तमाल जी में श्री नाभाजी ने गाया है। नाभाजी कौन है, भक्तमाल क्या है, यह चर्चा हम लोग अभी थोड़े दिन पहले हुई श्री भक्तमाल कथा में चर्चा कर चुके हैं। भक्तमाल का मतलब है भक्तों की माला, जो माला बना के श्री नाभाजी ने अपने गुरुदेव की आज्ञा से सुंदर माला तैयार की
और वो ठाकुर जी को पहनाई। ये वो पुष्प है जो कभी कुमलाते नहीं है। कौन से भक्तों के पुष्प? भक्त रूपी सुमन। तो नाभादास जी ने बड़ा सुंदर वर्णन अपने ग्रंथ में भक्तमाल में नरसिंह जी का किया है। और नरसिंह जी जो है वो कलयुग के भक्त हैं, लेकिन बड़ी विशेष बात यह है कि जो हमारे यहां 18 पुराण हैं, उन 18 पुराणों में जो भविष्य पुराण है, उस भविष्य पुराण में कलिकाल के भक्तों की भी चर्चा भगवान वेदव्यास ने की है कि भविष्य में कैसे कैसे भगवत भक्त होंगे। तो भविष्य पुराण में कलिकाल के भक्तों की जहां चर्चा हुई है, वहां पहले तो आचार्य चरणों का स्मरण किया गया है। भविष्य पुराण में श्लोकात्मक ढंग से पूरा व्यास जी ने वर्णन किया है। उसमें भगवान रामानंदाचार्य जी, रामानुजाचार्य जी, भगवान शंकराचार्य जी आदि आदि आचार्य जन का तो वर्णन है ही। माध्वाचार्य जी, बल्लभाचार्य जी आदि का भी वर्णन भविष्य पुराण में है कि कलयुग में ये सब प्रकट होंगे। अब आप विचार कीजिए कि व्यास जी की दृष्टि कितनी हम हो गए कि उन्होंने इतने हजारों वर्ष पहले जो है वो सब लिख दिया कि ये भक्त होंगे। उसमें उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी की भी चर्चा की, कलिकाल में वो होंगे। पीपा जी की चर्चा की और इन भक्तों के चरित्रों की चर्चा करते हुए भविष्य पुराण में ही भगवान वेद व्यास ने नरसिंह जी की चर्चा की। सौराष्ट्र की पावन भूमि में नरसिंह जी प्रकट होंगे। बस इतना है कि वहां लिखा है वैश्य कुल में उत्पन्न होंगे। वैश्य कुलो समोद्भवा, लेकिन नरसिंह जी तो नागर ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए हैं, तो ये भेद कैसे हो सकता है? तो इसके लिए पूज्य गुरुदेव ने एक समाधान दिया कि थे तो ब्राह्मण वो लोग इनके परिवारजन, लेकिन वैश्य वृत्ति से अपना निर्वाह करते थे। इनमें ब्राह्मण वृत्ति नहीं थी, तो वैश्य वृत्ति की प्रधानता के कारण संभवतः व्यास जी ने वैश्य कुल में उत्पन्न होना लिख दिया होगा। बाकी नरसिंह जी का जन्म नागर ब्राह्मण कुल में हुआ है, नागर ब्राह्मण है। अब ये मूल रूप से है कौन, तो उसके लिए भी भविष्य पुराण में एक प्रमाण है कि जो अष्ट वसु हैं, उन अष्ट वसुओं में से एक वसु तो पितामह भीष्म बने, जो आप सब जानते हैं देव नाम के वसु हैं, तो देव नाम के वसु पितामह भीष्म के रूप में आए हैं। अष्ट वसु ही आए, गंगा जी ने 7 को तो गंगा जी में बहा दिया, और 8वें सबसे छोटे जो देव नाम के वसु थे उनको गंगा जी से प्रार्थना करके संतनु ने रख लिया, बोले इनको मत बहाइए। तो वो संतनु के पुत्र के देवदत्त के नाम के रूप में रहे, बाद में देवव्रत के नाम के रूप में रहे, बाद में वही पितामह भीष्म कहलाए। इन अष्ट वसुओं में से ही द्रोण नाम के जो वसु हैं, वो द्रोण नाम के वसु श्री नंद बाबा बने हैं। तो वो नंद बाबा जो है वो भी इन अष्ट वसुओं में से ही है, द्रोण नाम के वसु वो 5वें वसु हैं इनमें से। और इनमें से ही अष्ट वसुओं में से एक वसु हैं जो श्री नरसिंह जी के रूप में प्रकट हुए हैं। तो यह अष्ट वसुओं में से ही एक वसु ही नरसिंह जी के रूप में प्रकट हुए हैं, ऐसी कथा भविष्य पुराण में कही गई है। दूसरी कथा श्रीमद् भागवत के अनुसार है, जहां सूर्यवंशी राजा मुचुकंद जी महाराज, तो श्री मुचुकंद जी महाराज जो हैं ये सूर्यवंश के राजा थे, बड़े प्रतापी थे, युद्ध में देवताओं का सहयोग करने के लिए गए। देवासुर संग्राम में देवताओं की विजय हुई, और जब देवता विजयी हुए तो देवताओं ने कहा कि वरदान मांगिए, कुछ कहिए। इन्होंने कहा देखो अब तो हमें कोई वरदान कुछ चाहिए नहीं, वो युद्ध करते करते बहुत थक गए हैं, थोड़ा विश्राम करना चाहते हैं। तो बोले आप जहां मर्जी जाके सो जाइए,
बोले सोए तो सही पर हमें कोई जगाए ना, किसी एकांत गुफा में जाके हम विश्राम करेंगे। तो वहां देवताओं ने कहा ठीक है, जो कोई आपको जगाएगा, आपकी निद्रा में भंग करेगा, निद्रा विघ्न करेगा, वो जल करके आपकी दृष्टि पड़ते ही भस्म हो जाएगा। तो मुचकंद जी को यह बात देवताओं ने कह दी। आप जाकर के गुफा में सो गए और तब से लेकर के सोते रहे द्वापर युग तक, और सोना तो एक बहाना था, निद्रा समाधिस्तो, वह निद्रा भी उनके लिए समाधि ही थी, माने वो भगवान के स्मरण में ही खोए हुए थे, वो परम भगवत भक्त थे राजा, ऐसे तमोगुणी नहीं थे कि कुंभकर्ण की तरह सोते रहे। पंकज जी, कथाएं जैसी दिखती हैं वैसी नहीं, उनके रहस्य कुछ और होता है। ये उनकी जो निद्रा है, ये तमोगुण प्रधान निद्रा, तमोगुण की निद्रा ना हो करके जो उनकी निद्रा है वह समाधि जन्य निद्रा है। भाई उस निद्रा की अवस्था में भी निरंतर श्री हरि का स्मरण, ठाकुर जी का स्मरण कर रहे हैं। तो ठाकुर जी के स्मरण में खोए हुए थे, भगवान द्वापर में प्रकट हुए। जरासंध जो आक्रमण बार बार श्री कृष्ण पे कर रहा था, मथुरा पर कर रहा था, तो जरासंध का जो 18वां आक्रमण था तो वो कालियावन को लेकर आया। कथा आप लोग भागवत जी में सुनते हैं, श्री कृष्ण भागे आगे आगे, कृष्ण पीछे पीछे, कालियावन मुचकंद की गुफा में पहुंचे। और जैसे ही मुचकंद की गुफा में पहुंचे तो वहां ठाकुर जी ने अपना पीतांबर लेकर के मुचकंद जी को उड़ा दिया। अब पीतांबर उड़ा करके ठाकुर जी तो छुप गए। उस राक्षस ने, उसने क्या समझा, देखो मुझे इतनी दूर से दौड़ा दौड़ा कर थका दिया और यहां आके गुफा में बड़े मौज से पीतांबर फैला के सो रहा है, तो बड़ी जोर से पैर की ठोकर मारी, उठो। और जैसे ही पैर की ठोकर मारी तो ठाकुर जी तो थे नहीं, वो तो मुचकंद राजा थे, ठोकर लगते ही जाग गए, आंखें खुली, चारों ओर देखा, सामने कालियावन खड़ा था। जैसे ही उसकी ओर देखा, इनको तो वरदान था जो तुम्हें देखेगा जल करके भस्म हो जाएगा, तुम्हारे सामने आते ही तुम्हारी दृष्टि पड़ते ही भस्म हो जाएगा, तो वो जल करके कालियावन भस्म हो गया। अब कालियावन भस्म हो गया, ठाकुर जी गुफा में से निकल आए, राजा मुचकंद के सामने प्रकट हुए। राजा मुचकंद ने ठाकुर जी के चरण पकड़ लिए और दर्शन करके निहाल हो गए, आनंद में भोर हो गए, प्रभु आज आपका दर्शन करके मेरा जीवन धन धन्य हो गया। खूब स्तुति की। उस समय ठाकुर जी ने कहा कि देखो आगे चल करके कलिकाल में तुम पुनः प्रकट रहोगे, तब तक तुम जो है ध्यान में निमग्न रहो, क्योंकि तुमने क्षत्रिय स्वभाव के कारण मृग्या आदि माने शिकार करते हुए अनेक पशुओं का वध किया है। क्षत्रिय स्वभाव था तो क्षत्रिय राजा जो है शिकार करने जाते, पशुओं को मारते, उनका काम था, तो तुमने हिंसा की है, वह दोष तुम्हारा निवृत्त होगा ध्यान करने से। तो तुम ध्यान करो, अभी भजन करते रहो, और कलिकाल में कलयुग के जीवों के निस्तार के लिए, कलयुग के जीवों पर कृपा करने के लिए तुम नरसी मेहता के, नरसी भक्त के रूप में पुनः प्रकट होगे। तो वह मुचकंद जी महाराज भगवत कृपा से जो है तब से ध्यान में स्थित रहे, और वही वह अपना देह त्याग करके बाद में कलिकाल में नरसी जी के रूप में प्रकट हुए। तो यह तो आपके जन्म की भूमिका है कि आप कौन हैं। अब वह बड़ा सुंदर छप्पे जो नाभाजी ने लिखा है, जगत विदित नरसी भगत जिनको चर धर पावन करी, महास्मारत लोग भक्ति लौले से न जाने। नाभाजी कहते हैं जगत विदित नरसी भगत जिन गुज्जर धर पावन करी। नरसी जी कैसे हैं, बोले जगत विदित भक्त हुए। देखो कोई तो गांव भर में विदित होता है,
कोई पूरे नगर में प्रसिद्ध होता है, विदित माने प्रसिद्ध, कोई नगर प्रसिद्ध होता है, कोई अपने प्रांत में प्रसिद्धि पा जाता है, कोई पूरे देश में प्रसिद्धि पा जाता है। अच्छा, आजकल तो संचार का माध्यम बहुत सारे हैं, सोशल मीडिया का जमाना है, कहीं कोई घटना हो, कोई बातचीत हो तो बड़ी जल्दी वो सब जगह फैल जाती है। लेकिन आज से 400-500 वर्ष पहले संचार के ऐसे माध्यम तो नहीं थे, लेकिन नरसिंह जी की भक्ति का इतना अद्भुत प्रभाव था कि आप उस अपनी भक्ति के प्रभाव से ऐसी सुगंध प्रकट हुई कि आप जगत विदित हो गए, सारे जगत में आपकी प्रसिद्धि हो गई कि अद्भुत भक्त श्री नरसिंह जी हैं। भक्त तो बहुत हुए, और जिस समय नरसिंह जी प्रकट हुए उस समय अनेक भक्तों का प्रादुर्भाव हुआ, गोस्वामी तुलसीदास जी आदि आदि सब आसपास के संत हैं। तो उस काल में अनेक संत महापुरुष प्रकट हुए, लेकिन जैसी महिमा आपकी प्रकट हुई वह अद्भुत थी, आपकी महिमा बड़ी अद्भुत रही। आप जो है तुलसीदास जी के तो बहुत पहले हुए हैं, तुलसीदास जी तो 1600 संवत में हुए हैं, और यह जो है 1470 के आसपास का जन्म नरसिंह जी का माना जाता है, तो ये और बहुत पहले की। तो उस समय 1470 के आसपास आपका प्राकट हुआ, तो उस समय आप जगत विदित हो गए, ऐसा आपकी भक्ति का रस था। ठाकुर जी ने इनको 52 बार दर्शन दिया, ऐसा श्री भक्तमाली जी ने लिखा है। प्रायः लोकोक्ति में 56 बार कहा जाता है, पर ग्रंथों में प्रायः 52 बार का प्रसंग मिलता है कि इनको ठाकुर जी ने प्रकट होके 52 बार दर्शन दिया है, 52 बार लीलाएं भई हैं। प्रायः नरसिंह जी के चरित्र में मायरा आदि एक दो प्रसंगों की ही ज्यादा चर्चा होती है, और नरसिंह जी के यहां ठाकुर जी ने जो मायरा भरा तो नानी बाई रहे मायरा, इस तरह से मायरे की कथा ज्यादा प्रसिद्ध है। एक और बात पंकज जी, कि राजस्थान के भक्तों ने ज्यादा चरित्र नरसिंह जी का गाया, इसलिए बहुत सारे लोगों में ऐसा भी भाव, ऐसी भी मान्यता है कि शायद नरसिंह जी राजस्थान की भूमि में हुए होंगे, लेकिन आप नरसिंह जी जो हुए वो राजस्थान में नहीं, गुज्जर धर पावन करी, गुज्जर माने गुजरात के प्रांत में, गुजरात प्रांत में जूनागढ़ में आप प्रकट हुए हैं, तो आपका प्राकट तो जूनागढ़ गुजरात में हुआ, लेकिन राजस्थान के भक्तों ने आपके चरित्र को बहुत गाया। मायरा आज भी राजस्थान के लोग जितना बढ़िया से गाते हैं वो और जगह कम उपलब्ध हो पाता है। तो अद्भुत रसरीति से राजस्थान के भक्तों ने आपके स्वेस को गाया है, पर नरसिंह जी के चरित्र में केवल मायरा ही विशेष नहीं है, 52 बार ठाकुर जी आए हैं और अलग अलग बड़ी अद्भुत अद्भुत लीलाएं हुई हैं। नरसिंह जी के पुत्र के रूप विवाह के समय भी ठाकुर जी ने श्यामल दास जो नरसिंह जी के पुत्र हैं इनके विवाह में जो लीला की वो भी हम लोग कल श्रवण करेंगे। तो बहुत कृपा ठाकुर जी ने नरसिंह जी के ऊपर की, क्योंकि नरसिंह जी बड़े अद्भुत भक्त हुए। कैसे हुए? जागत विदित नरसिंह भगत, जिन गुज्जर धर पावन करी, जिन्होंने गुजरात की धरती को पावन किया। अच्छा, गुजरात की धरती पावन करने का मतलब इसका यहां ये होता है कि इसके पहले वो धरती अपावन थी, पावन बनाया, इसका मतलब पहले अपावन होगी। बोले हां। कैसी थी? महा स्मारत लोग भक्ति लौलेस न जाने, माला मुद्रा देखिता सिकी निंदा ठाने। भक्तमाल जी का छप्पे है, ये नाबाजी के द्वारा लिखा गया। कैसे लोग उस समय थे? बोले महा स्मारत लोग। उस समय महा स्मारत नाम से एक पंथ चल गया था, जो भक्ति तो लौलेस नहीं जानते थे, लेकिन कर्मकांड की बड़ी बड़ी बातें करके और भक्ति का खंडन करते थे। वहां वो भक्ति के विरोधी थे, और अवैष्णवो हतो देशा, जिस जगह वैष्णव जन नहीं रहते वह राष्ट्र वह स्थान अपावन हो जाता है। हमारी भारत भूमि को पावन क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहां भक्त विराजमान रहते हैं, ये भक्तों की भूमि है, संतों की भूमि है,
भारत की भूमि कृषि प्रधान है और भारत की भूमि ऋषि प्रधान है, ये ऋषियों का देश है साहब। बाहर विदेशों की जो भूमि है वह चाहे जितनी लौकिक संपत्ति से समृद्ध रहे पर आध्यात्मिक उन्नति, आध्यात्मिक उपलब्धि जो हमारे भारतवर्ष ने की है वो कोई पूरे विश्व में नहीं की। इसीलिए जब भी किसी को शांति की इच्छा होती है कि अब मुझे शांति चाहिए, तो वो कहीं भी रहता हो वो दौड़ के भारत की ओर आता है, बोले भैया शांति मिलेगी तो भारत की भूमि में मिलेगी, क्योंकि ये भक्ति की भूमि है, ये संतों की भक्तों की भूमि है। अवैष्णव हतो देशा, जिस देश में वैष्णव संत नहीं रहते वह नष्ट हो जाता है अथवा वह अपावन हो जाता है। इस रूप में श्री नाभाजी कह रहे हैं गुज्जर धर पावन करी, वह धरती अपावन हो रही थी क्योंकि उस समय वहां अवैष्णव लोग अथवा महास्मार्त लोग हो गए थे। अच्छा, महास्मार्त लोग जो हैं इसका क्या मतलब है? दो पंथ हमारे यहां हैं। देखो इसमें शिव उपासक या विष्णु उपासक का मतलब नहीं है, लोग आजकल ऐसा लगा लेते हैं वैष्णव और स्मार्त, लेकिन ऐसा नहीं है। स्मार्त किन्हें कहते हैं? बोले स्मार्त उन्हें कहते हैं मनु याज्ञवल्क प्रभृति जो स्मृतियां हैं, मनु जी ने, याज्ञवल्क जी ने, ऐसे महापुरुषों ने वेदों के वचनों के अनुसार ही कुछ विधान नियुक्त किए और जो उन्होंने विधि विधान निर्धारित किए उनके अनुरूप जीवन यापन करना जो है उसको कहते हैं, उन्होंने जो लिखा उसको कहते हैं स्मृति। मनु आदि ने या गवलिक आदि ने जो लिखा उसको बोलते स्मृति, स्मृति ग्रंथ कहलाते हैं वो, और उन स्मृतियों के अनुसार अपने जीवन को जो चलाए वो स्मार्त कहलाता है। स्मृति के अनुसार अनुष्ठान भजन पद्धति जो करे वो स्मार्त है। स्मृतियों में पंचदेव उपासना को विशेष रूप से सभी ने लिया है, गणेश, दुर्गा जी, सूर्य, शिव और विष्णु, ये पंचदेव उपासना कही गई है। तो जो स्मार्त लोग हैं वह भी इन पांच में से ही किसी एक को प्रधान रूप में मान करके, एक किसी को अंगी मान करके, चार को अंग मान करके है तत्व, एक पांच रूपों में है। तो पांच रूपों में जो तत्व है उसमें से किसी एक रूप में स्थित होकर के निश्चय रख करके चार को उनका ही अंग मान करके पांचों देवताओं की जो उपासना करे वो स्मार्त है। बात समझ में आ रही है? स्मृति ग्रंथों के अनुसार जो अपना जीवन यापन करते हुए पंचदेव उपासना करे वह स्मार्त कहलाता है। अब जो गणपति को जो प्रधान देवता के रूप में मानकर बाकी चार को उनका अंग मानता है वह गणपत्य कहलाते हैं। जो देवी की प्रधानता मान करके भगवती की आराधना करते हुए बाकी चार को उनका अंग मान करके सेवा करता है वह शाक्त कहलाता है। जो सूर्य की उपासना विशेष रूप से करते हैं वह सौर्य कहलाते हैं। जो शिव की आराधना विशेष रूप से करते हैं वह सैव्य कहलाते हैं। और जो भगवान विष्णु नाम राम कृष्ण की उपासना करते हैं वह वैष्णव कहलाते हैं। तो वैष्णव अलग नहीं है, वैष्णव भी उन्हीं स्मार्त में से है कि पांच में से एक हुए कि नहीं, अलग तो नहीं है। लेकिन उस वर्तमान काल में कुछ लोगों ने अपने आप को केवल कर्मकांड में लगा रखा था या स्मार्त नहीं लिखा, महास्मारत लोग। अच्छा, महाशब्द कहीं कहीं जो है निंदा सूचक भी हो जाता है, हर जगह महाशब्द का प्रयोग हो यह आवश्यक नहीं है। जैसे पात्र और महापात्र, तो महापात्र किसको कहते हैं समझते हैं आप लोग? ब्राह्मण और महाब्राह्मण, तो बोले महाब्राह्मण वो होते हैं जो मृतक कर्म आदि कराते हैं, अंत्येष्टि कराते हैं और मृतक का दान लेते हैं, वो महापात्र कहलाते हैं अथवा महाब्राह्मण कहलाते हैं। तो इसी तरह वो स्मार्त नहीं, नाभाजी कह रहे वो महास्मार्त लोग थे। महास्मार्त माने नाम तो स्मार्त का ले रखा है पर वो स्मार्त से पद भ्रष्ट होकर के केवल कर्मकांड में फंसे हुए लोग थे।
कि महा स्मारत लोग भक्ति लवले से न जाने महा स्मारत लोग भक्ति लवले से न जाने माला मोत्रा देखता सुखी निंदा ठाने महास्मारत लोग जो थे वो कहां थे? बोले पूरे गुजरात प्रांत में। उस समय गुजरात की स्थिति ये थी कि कोई वहां वैष्णव कोई भगवत भक्त आ जाए तो उसकी निंदा ठानी माने पीछे पड़ जाते थे और थोड़ी बहुत निंदा नहीं करते थे। कितनी? तासु की निंदा ठाने। ठाने का मतलब होता है बिल्कुल एकदम पीछे लग गए। जब तक उसको अपने सौराष्ट्र से बाहर नहीं खदेड़ देते तब तक विश्राम नहीं लेते। और पंकज जी इन्होंने तो विद्वान तो थे ही, कुछ श्लोक भी बना रखे थे। बोले काष्ट कंठी मृतले की पाखंडी न संशया और मूर्खाणाम लक्षणम चैत तप्त मुद्रा धरोमृता, ऐसे श्लोक उन्होंने बना रखे थे। इस श्लोक का भाव समझ में आया? बोले काष्ट कंठी, तुलसी की कंठी को बोले कहते थे काष्ट कंठी। बोले जो तुलसी पहने ऊर्ध्व पुंड धारण करे वो निश्चित ही पाखंडी है, ऐसा उस समय वो लोग कहते थे। मूर्खाणाम लक्षणम चैतत, बोले मूर्खों का लक्षण क्या है? बोले मूर्खों का लक्षण है कि अपने अंगों में वो तप्त मुद्रा धारण करके और अंगों को जला लेते हैं। वह मानो मृतक ही है, उनको वो मरे के समान अपवित्र अशुद्ध मानते थे, इतना अधिक वो जो है वैष्णवों से द्वेष रखने वाले थे। लेकिन स्कंद पुराण में कहा गया है कि तुलसी धारण का क्या महत्व है। वृंदावन तरद भूताम माला मालोक ये हृदय निन्नाम कुर्वन्ति ये मूढ़ास्ते मलेक्षा न संशया। ये तो कहते थे काष्ट कंठी, लेकिन यह देखो बहुत ध्यान से समझने की बात है। ये भगवान वेदव्यास द्वारा लिखा हुआ श्लोक है जो दोबारा हमने बोला है, तो इसमें कोई संप्रदाय की बात नहीं है, क्योंकि व्यास जी ने किसी संप्रदाय की संकीर्णता तो रखी नहीं। उन्होंने यदि भागवत को लिखा है तो उन्होंने सपुराण भी लिखा है, गणेश पुराण भी लिखा है, तो जो कुछ भी पुराण है किसने लिखे? देवी भागवत भी उन्हीं ने लिखी। तो व्यास जी तो इस संकीर्णता से बहुत ऊपर उठे हुए हैं। वह कह रहे हैं वृंदावन तरुद भूताम, वृंदावन तरु का मतलब है तुलसी महारानी। श्री तुलसी महारानी को जो हृदय पे धारण करके रखता है उसके हृदय कमल में श्री कमल नयन ठाकुर जी सदा विराजमान रहते हैं, ठाकुर जी उस पे कृपा किए रहते हैं। माला मालोक के ये हृदय, जिसके हृदय पर श्री तुलसी महारानी विराजमान है वह निश्चित ही पवित्र हो जाता है। और ऐसे तुलसी धारण करने वालों की जो निंदा करता है, निंद्राम कुरवंत ये मूढ़ास ते मूढ़ा ते मिलेक्षा न संशया, वह व्यक्ति मिलेक्ष है। मिलेक्ष किसे कहते हैं? मिलेक्ष का मतलब यवन से नहीं है, मिलेक्ष का मतलब है जो भक्तों की निंदा करे, जो संतों की निंदा करे। संत निंदा करने वाला क्या बनता है अगले जन्म में बताया आप लोगों को?
होहे ओ लोक संत निंदारत होहे ओ लोक संत निंदारत होहे ओ लोक संत निंदारत होहे गुरु दादर समझते हैं, दादर बोलते चमगादड़ को, दादर बोलते मेंढक को, दादर माने मेंढक, मेंढक बनके उसको जन्म लेना पड़ता है। कई लोग बातों बातों में सहज में कहते हमारे गुरुजी हैं तो बढ़िया, अब क्या करें, दीक्षा ले ली, लोगों के साथ चले गए, ठीक ही है, उनमें थोड़ा सा ये गड़बड़ है, गुरुजी बढ़िया तो है पर ये कमी है, ऐसा जिनमें लगता है भैया बहुत बड़ा अपराध हो रहा है। और केवल गुरु का नहीं, किसी भी संत वेशधारी का, साधु का, संत का, उनकी निंदा करना बड़ा भारी अपराध है। पर हम लोगों को तो बड़े बड़े महापुरुषों में भी दोष दिखते हैं भैया, उनमें जो दोष हैं या नहीं हैं वह वो जाने कि ठाकुर जी जाने, पर यदि हम उनके दोषों को देखने में लगेंगे तो हमारा अकाज निश्चित है, अवश्य ही हमारी हानि होगी। इसलिए महापुरुषों में दोष ना देखें। और सबकी निंदा पकड़ने वाला क्या होता है कि सबकी निंदा जे जाड़ कराही, सब करने जे जाड़ कराही, बनता है। और हरि गुरु की निंदा करने वाला मेंढक बनता है। हरि गुरु नंदक दादर होई, जन्म शास्त्र पाव तन सोई, और हो ही उलूक संत निंदारत, बोले जो संतों की निंदा करता है वह उलूक बनता है। इसलिए भैया संतों की निंदा भूल कर भी मत करो। हाँ आपकी श्रद्धा नहीं जमती है, कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा दूरी रखो, किसी में आपको श्रद्धा नहीं है दूर से प्रणाम कर लो, पर लोगों में जाके उनकी निंदा करना, उनके दोष बखान करना, ये बहुत बुरी बात है। पर उस समय तो वो महास्मारत लोग क्या करते थे, बोले तासु की निंदा ठाने, निंदा ठान लेते थे। तुलसी जी के बारे में तो इतना स्कंद पुराण में कहा गया है, कहां तक वर्णन करें, बोले तुलसी जिसके गले में है और जब वो भोजन करता है तो एक एक ग्रास में वाजपेय यज्ञ का फल उसको प्राप्त होता है, वो अन्न ग्रहण भी करता है तो एक एक ग्रास अन्न ग्रहण करने में वाजपेय यज्ञ का पुण्य उसको प्राप्त होता है। जब वो स्नान करता है तो भूमंडल में जितने तीर्थ हैं उन सारे तीर्थों में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है वह तुलसी महारानी को गले में धारण करके स्नान करने वाले को प्राप्त हो जाता है। पर ध्यान रखना,
महाराज जी कह रहे थे कि तुलसी धारण करके नहाओ तो ऐसा नहीं खूब सारी तुलसी पहन ले, नहीं कंठ में कंठी के रूप में तुलसी पहने, वैसे दिन में पहने लेकिन शौच आदि के लिए जब जाएं तो बहुत सारी कंठियां पहन के ना जाएं। तुलसी तो नहीं उतारनी चाहिए, वो तो अरण्य साथ रहनी चाहिए, क्या पता बाथरूम में ही मर जाए, कोई भरोसा है? उतारना नहीं है। लेकिन कंठी का मतलब है जो केवल कंठ में रहे, जो कंठ में रहे वो कंठी, माने मलमूत्र त्याग करते समय उस तुलसी पर हमारी दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि लंबी लंबी माला लटका रखी है, छोटी कंठ में तुलसी हो, और कंठ में तुलसी बंधी है, अब आप स्नान करेंगे तो जो जल तुलसी को स्पर्श करके जाएगा वह निश्चित ही आपको पवित्र कर देगा। टकसाल में साधुओं को देखा जाता था, साधु तो ठीक है कोई भी आ जाए तो पंकज जी थोड़ा सा ऐसा लगाना इसका बस। पुराने साधुओं में आज भी जहां अच्छे स्थान है वहां देखा जाता है कि जिसके गले में तुलसी ना हो, कंठी ना हो, उसके हाथ का छुआ हुआ पानी भी संत लोग नहीं पीते। ये परंपरा बहुत जगह आज भी संतों में है। अरे बोले निगुरा है, अपवित्र है। पहाड़ी बाबा के समय की घटना महाराज जी सुनाते हैं। बोले पहाड़ी बाबा के समय की घटना है, महाराज जी साथ थे, मलुकपीठ वाले महाराज जी कहीं गए हुए थे तो वहां पर जो है एक व्यक्ति ने कुएं से जल भरा तो बाल्टी को बढ़िया धो मांज करके, पीतल की बाल्टी, और साफ करके उसने और बाल्टी भर के जल रख दिया और महाराज जी से निवेदन किया स्नान कर लीजिए सवेरे का समय। महाराज जी ने जाकर देखा किसने भरी, इन्होंने भरी है। बोले फेंको जल्दी फेंको पानी को। अब महाराज जी ने कह दिया तो फेंकना पड़ेगा, तो पानी को फेंक दिया। महाराज जी ने स्वयं अपने मलुकपीठ वाले महाराज जी साथ में जो थे इन्होंने बाल्टी को प्रामणिया किया, फिर से जल निकाला, स्नान हो गया। अब स्नान हो गया वो अपने पूजन ध्यान में चले गए, ध्यान करने लगे। लेकिन महाराज जी कहते हैं हमारे मन में बार बार यही प्रश्न था कि आखिर महाराज जी ने वो जल क्यों फेंकवा दिया। भाई बेचारा नहाया धोया था और खूब शुद्ध पवित्र होके उसने पानी भरा, श्रद्धा से भरा, धो मांज के बाल्टी भरा, फिर ऐसा क्यों किया कि वो फेंकना पड़ा। तो महाराज जी जो है इनके भाव को समझ गए और पहाड़ी बाबा ने इनको बाद में कहा, पंडित जी क्या सोच रहे हैं, मैंने ऐसा क्यों किया? तो मैं बतलाता हूं, ये बताओ स्नान क्यों किया जाता है? गुरु जी इसलिए कि पवित्र हो जाए। तो बोले पवित्र तो वही जल करेगा जो पवित्र होगा। बोले हाँ ये तो ठीक है। बोले जो व्यक्ति पवित्र नहीं है उसके हाथ से भरा हुआ जल भी पवित्र नहीं है। महाराज जी हम समझे नहीं। बोले मतलब ये है कि जिस व्यक्ति ने वो बाल्टी भरी थी वो व्यक्ति तुलसी नहीं पहने था, उसके मस्तक पर तिलक नहीं था, और जिसके मस्तक पर तिलक ना हो, जिसके गले में तुलसी ना हो, उसके हाथ का छुआ उपा नहीं अपवित्र है। अब वो अपवित्र जल से स्नान करने से तो हम अपवित्र हो जाते, फिर कैसे पूजा में जाते? इसलिए हमने कहा इसको हटाओ। आप लोगों के समझ में बात आ रही हम क्या कहना चाह रहे हैं? जिसके गले में तुलसी नहीं है उसका छुआ पानी तो स्नान के योग्य भी नहीं है, और पीने और खाने की बात तो बहुत दूर हो गई। पर अब तो भैया होटलों में खाने का जमाना है, ऊट पटांग जहां जैसा मिले खाओ, वहां कौन तुलसी देख रहा है, कौन स्नान ध्यान देख रहा है, और कौन क्या देख रहा है? देखो हम किसी जाति का वर्ण का विरोध नहीं, हम तो ये कहते हैं भाई कोई भी हो वो तुलसी पहने हो, ऊर्ध्व पुण्य धारण किए हो, उसमें शुभ लक्षण हो, उसका व्यवहार अच्छा हो, उसका बर्ताव शुद्ध हो, तो निश्चित ही वह पवित्र है। और कोई विप्र कुल उत्पन्न होकर भी यदि तिलक चंदन से रहित है, कंठी माला से रहित है, और वह वैष्णवता को धारण नहीं कर रहा है तो वह भी फिर उतना पावन नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को तुलसी अवश्य अपने कंठ में धारण करके रखनी चाहिए। किसी की चिता जल रही हो और उसमें कोई इतनी सी भी तुलसी की लकड़ी डाल दे, चिता तो बनी है किसी दूसरी कास्ट से और थोड़ी सी तुलसी डाल दी,
तो थोड़ी सी तुलसी पढ़ते ही वह कितना भी बड़ा पात की हो वह पाप मुक्त होकर भगवत धाम चला जाता है। ये तुलसी महारानी की महिमा है। ठाकुर जी को एक महानैवेद्य लगता है, उसकी आपने चर्चा सुनी होगी। कभी आप ऐसा करके देखिए, आज अक्षय हो, अक्षय तृतीया है, आप कोई भक्ति नहीं कर सकता हो जो टेलीविजन पे सुन रहे हैं, यदि किसी को सुलभता हो तो करके देखिए कि ठाकुर जी को भोग बनाएं। और यदि जो विधि यहां कही जा रही है पुराणोक्त विधि है, इसके अनुसार भोग बना के ठाकुर जी को लगा दें तो 1000 वर्षों तक भोग लगाने से जो फल मिलता है वो 1 दिन में भोग लगाने से प्राप्त होता है। 1000 वर्षों तक भगवान की तृप्ति हो गई ऐसा माना जाता है। अब भगवान तो नित्य तृप्त है, पर इसका अर्थ है कि 1000 वर्ष को भोग लगाने का जो फल है वो 1 दिन में मिल जाएगा। चाहे वो तुलसी जी की काष्ट को जलाकर और कोई लकड़ी ना जले, तुलसी जी की काष्ट से ही भोग बने। तुलसी की काष्ट किसी की यहां बहुत सारी सूखी रखी हो, उनको संभाल के रखिए, जहां तहां नहीं डालिए, और संभाल के रख के किसी ऐसे विशेष त्योहार में अवसर में आप प्रयोग करिए कि तुलसी जी की काष्ट को ही चूल्हे में लगा करके उसी से कोई प्रसाद तैयार करिए, फिर उसमें तुलसी डाल करके और तुलसी समन्वित करके ठाकुर जी को भोग लगाइए, और तुलसी की अग्नि से तपा हुआ भोजन जो भोग बनेगा वह भगवान को अक्षय तृप्ति प्रदान करने वाला हो जाएगा। उसका बहुत विशेष महत्व है। तुलसी जी के पत्र को चंदन की तरह घिस लिया जाए, जैसे चंदन घिस रहे हैं तुलसी पत्र उसमें एक दो डाल लिए, और आपने मलयागर चंदन घिसा तो उसमें वो तुलसी पत्र भी घिसा गया, उसको हरिचंदन बोलते हैं। तो वो हरिचंदन यदि भगवान को लगाया जाए तो भगवान विशेष प्रसन्न होते हैं। तो आप मलयागर चंदन यदि घिस रहे हैं तो उसमें तुलसी की एक आध पत्र अवश्य डाल लिया करें। आप स्नान कर रहे हैं, तुलसी के पौधे की जो जड़ मिट्टी है, गमले की मिट्टी, तुलसी की जड़ की मिट्टी, वो मिट्टी भी स्नान के काल में यदि व्यक्ति लगाए तो उससे भी विशेष फल की प्राप्ति होती है। तुलसी मृतिका कही जाती है उसे। जैसे गोरज की महिमा है, ऐसे तुलसी जी के मृतिका की बड़ी महिमा है। लेकिन वह महास्मार्त लोग कैसे थे जो गुजरात में उस समय सौराष्ट्र में रहने वाले थे? माला मुद्रा देख तासु की निंदा ठाने, वो जो है वैष्णवों की निंदा करते, भगवत भक्तों की निंदा किया करते थे। थे तो कर्मकांडी, लेकिन कोरा कर्मकांड था, उनकी भगवान की भक्ति में रुचि नहीं थी। अच्छा, कर्मकांड जो है वो भगवत भक्ति से अलग नहीं है, कर्मकांड भी भक्ति का ही अंग है। अब ठाकुर देव कर्मकांड का मतलब क्या है? भगवान की पूजा अर्चना करना। तो पूजा अर्चना में अभी तो भक्ति ही है। हम ठाकुर जी को पुष्प चढ़ा रहे हैं, बढ़िया बढ़िया पोशाक धरा रहे हैं, ठाकुर जी को नैवेद्य लगा रहे हैं, ठाकुर जी के लिए श्रृंगार कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, ये सब कर्मकांड है। लेकिन इसमें प्रेम रस जब तक नहीं है तो ये कोरा कर्मकांड कहलाएगा। उसमें प्रेम रस धारा, प्रेम रस होना चाहिए। वृंदावन तरुद्भूता माला मालोक्य हृदय निंदाम कुरवंती ये मूढ़ास्ते मिलेक्षा न संशया। इस स्कंद पुराण के वाक्यानुसार वह ब्राह्मण कुल में होते हुए भी सब जो है निंदक होने के नाते मिलेक्ष के सदृश ही थे, माने बड़ा अधर्म वहां फैला हुआ था। अच्छा, गुजरात की भूमि में एक वो समय ऐसा आया था कि पूरी तरह भक्ति जो है खंडित हो गई, और श्रीमद् भागवत के महात्म्य में भी भक्ति महारानी नारद जी से कह रही हैं, उत्पन्ना द्रवड़े साहम वृद्धिम कर्नाटके गता क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। मैं उत्पन्न कहां हुई? बोले द्रविड़ में। उत्पन्ने द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्नाटके गता, कर्नाटक में मैं बड़ी हुई, महाराष्ट्र में सम्मानित होती भाई। जब मैं गुजरात गई तो गुर्जरे जीर्णताम गता, वहां मैं जीर्ण हो गई, क्योंकि वहां उस समय ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई थी।
उन ऐसी परिस्थितियों के कारण वहां कोई भी वैष्णव नहीं पहुंच पा रहे थे, भगवत भक्ति का प्रचार नहीं हो पा रहा था। अच्छा वो समय था कि जब साधुओं की जमातें चलती थी, और पंकज जी सनातन धर्म कब तक बहुत सुरक्षित था, जब तक जमातें चलती थी। इतने वर्षों तक मुगलों ने राज्य किया, फिर इतने वर्षों तक अंग्रेजों ने राज्य किया, फिर भी हमारा सनातन धर्म सुरक्षित रहा। उसका बहुत बड़ा एक कारण है संतों की जमातें घूमना, क्योंकि जमात में संत लोग जो है 20 25 50 की टोली में जाते और जिस नगर गांव में पहुंचते वहां वैष्णवता का भगवत भक्ति का प्रचार करते थे और भगवत भक्ति से लोगों को परिचित कराते, सनातन धर्म का प्रचार करते थे। अब धीरे धीरे समय परिवर्तित हुआ है तो जमातें घूमना बंद हो गया। ये तो भगवान की बड़ी कृपा है कि घर घर में टेलीविजन के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से कथा तो पहुंच रही है, तो वो लोग कम से कम कथा, भाई अब ठीक है जमात पहुंच के कथा नहीं हो पा रही तो टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से घर में सत्संग तो मिल रहा है। जिन महापुरुष का सुनना है चैनल बदलिए, कोई दूसरे महापुरुष आ रहे हैं, कोई ना कोई की कथा सुनने को मिल रही, भगवान की चरित्र सुनने को मिल रहे हैं। तो महास्मारत लोग भक्ति लो लेस न जाने, माला मुद्रा देख तासु की निंदा ठाने, ऐसे लोग उस समय हो गए थे। लेकिन उसी समय भगवान ने कृपा करी है? अनेक संत गए गुजरात में भक्ति का प्रचार करने, लेकिन वो सबके सब परास्त होकर लौट आए, वहां उनकी एक ना चली। तो भगवान ने कृपा करके और वहीं पे एक भगवत भक्त को प्रकट कर दिया। किसको कर दिया? नरसी जी महाराज को। जगत विदित नरसी भगत, जिन गुज्जर धर पावन करी। सौराष्ट्र प्रांत में ही जूनागढ़ नगर में एक ब्राह्मणों का गांव था, जूनागढ़ का ही कहा गया है यहाँ, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि नरसिंह जी का जन्म जूनागढ़ में हुआ है, कुछ लोगों ने ऐसा भी स्वीकार किया है कि जूनागढ़ के निकट किसी स्थान में हुआ। पर वर्णन है कि वहां 700 घर ब्राह्मणों के थे, नागर ब्राह्मण थे वो लोग। नागर ब्राह्मण जो है वो धनवान सब थे और व्यापार आदि भी करते, धनी मानी लोग थे। 700 घर ब्राह्मणों के थे। उन्हीं ब्राह्मणों में बड़े प्रतिष्ठित श्री कृष्ण दामोदर दास जी थे, नागर ब्राह्मण। श्री कृष्ण दामोदर दास जी की पत्नी जो थी उनका नाम था लक्ष्मी गौरी। इन लक्ष्मी गौरी जी के यहां सम्मत 1470 में ठाकुर जी की कृपा से भगवान के प्रिय भक्त वह मुचुकंद जी महाराज ही नरसिंह जी के रूप में अवतरित हुए, जन्म लिया है। बोलिए श्री नरसिंह जी महाराज की। इनकी दादी जो थी इनका नाम था जयकुंवरी, इनके बड़े भाई जो थे उनका नाम था बंसीधर, और इनकी जो भाभी थी उनका नाम था दुरित गौरी। ये बचपन में गूंगे थे नरसिंह जी, जन्म हुआ। संतों के जीवन में भी कितनी कठिन स्थितियां आती हैं। जरा अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले तुलसीदास जी का चरित्र सुना था, तो तुलसीदास जी के चरित्र में हमने देखा सुना कि कितना उन्हें बाल्यकाल में श्रम करना, संघर्ष करना पड़ा। इसी तरह नरसिंह जी का चरित्र भी बड़ा अद्भुत है। अभी तो नरसिंह जी के चरित्र की भूमिका तैयार आज हम कर रहे हैं। तो नरसिंह जी जब जन्म लिए और थोड़े बड़े हुए तो गूंगे रहे, बोलते नहीं थे। इनके बचपन में ही इनके माता पिता की मृत्यु हो गई। माता पिता की मृत्यु जब हो गई तो इनकी दादी जो थी जयकुंवरी बाई, जयकुंवरी जो थी, उन्होंने इनका लालन पालन किया। दादी को चिंता रहती थी बालक बोलता नहीं है, बालक बोलता नहीं है। तो हाटकेश्वर महादेव का स्थान था वहीं। हाटकेश्वर महादेव में एक समय कोई मेला था, उत्सव था, उस उत्सव में अपने बेटे को लेकर, उस बालक को लेकर के गई और बालक को ले जा करके वहां कोई संत मिल गए, उनसे प्रार्थना की आप कृपा करिए ये महात्मा जी ये बालक बोलता नहीं है।
उन संत ने दया करके थोड़ा जल लिया और जैसे ही जल इसके ऊपर छींटा मारा बालक के, तो ये बालक जो है बोलने की शक्ति आ गई। और उन संत ने कान में कहा, राधा कृष्ण बोल, राधा कृष्ण बोल, छींटा दे करके जल का, और क्या कहा, राधा कृष्ण बोल। तो नरसिंह जी पहली बार कोई शब्द बोले तो राधा कृष्ण बोले, इनके मुख से सहसा राधा कृष्ण निकल गया। बोले नरसिंह जी महाराज की जय। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण बोल रे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण बोल रे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण बोल रे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण बोल रे, ओ राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण बोल रे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण बोल रे, राधे कृष्ण राधे नाचने लगी, मेरे बेटा बोलने लग गया है, राधा कृष्ण बोलने लग गया है। घर लेकर आ गई। अब तो बालक बोलने लगा, दादी खूब खुश नहीं, प्रसन्न नहीं, लेकिन बाल्यकाल में ही माता पिता की मृत्यु हो जाना, दादी के संरक्षण में रहना, उसमें भी भाभी के ताने सुनना, ये बाल्यकाल से इनको सहना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण ने एक बात अर्जुन से कही है, यस्य तुष्टो हयं पार्थ वित्तं तस्य हराम्यहम् करोमि बन्धु विच्छेदं सचा कष्टेन जीवति सचा कष्टेन जीवति। यस्य तुष्टो हयं, भगवान कहते हैं हे पार्थ, जिस पर मैं विशेष प्रसन्न रहता हूं उसके साथ क्या करता हूं, देखो भगवान की वाणी है, वित्तम तस्य हराम्यहम्, उसके धन का मैं हरण कर लेता हूं। अच्छा प्रभु और क्या करते हैं, बोले करोमि बंधु विच्छेद, उसके बंधुओं से उसके बांधवों से उसका बिछो करा देता हूं और उसके जीवन में अनेक कष्ट उपस्थित हो जाते हैं। तो प्रभु आप ऐसा क्यों करते हैं, बोले मैं ऐसा इसलिए करता हूं कि धन मिलेगा तो धन में फंसा रहेगा, बंधु बांधव रहेंगे परिवार में फंसा रहेगा, और जब ये सब नहीं रहेंगे तो मन मुझ वासुदेव में लग जाएगा, उसका भजन में मन खूब लगेगा, मुझ में मन लगे इसलिए ऐसा करता हूं है?
तो हमारी जो माताएं यहाँ रहती हैं या जो आ रही हैं, वो ये ना सोचें कि हम अभागे हैं जो बच्चों ने छोड़ दिए, बल्कि ये सोचें कि हम सबसे बड़े सौभाग्यशाली हैं कि ठाकुर जी ने हमसे बंधु बिछो कर आकर के और हमें वृंदावन धाम का वास दे दिया है, हमें ब्रजवासी बना दिया है। ये तो ठाकुर जी की बड़ी करुणा है। ये श्लोक आप लोगों के लिए विशेष बल प्रदान करने वाला है। करोमि बंधु विच्छेदम सच कष्टेन जीवति। वह कष्ट प्राप्त करता है, दुख भोगता है, क्यों? बोले दुख में वह तप करके सोने की तरह निखर जाता है, और जब संसार धकेलेगी, ठोकर मारेगी, तभी ना कोई व्यक्ति भगवान की ओर बढ़ेगा। भोगों में फंसा रहेगा तो क्यों बढ़ेगा? इसलिए यदि घर में प्रतिकूलता आ रही है, बच्चे आंख दिखा रहे हैं, बहू झगड़ा कर रही है, पत्नी फटकार लगा रही है, पति झगड़ा कर रहा है, तो क्या समझें? आज से नियम बदल लो। अभी तक कोई झगड़ा करता है तो तकलीफ होती है, अब कोई झगड़ा करे तो समझो मेरे राधा गोविंद कृपा कर रहे हैं। क्या समझना है? बहू झगड़ा कर रही है, चले जाओ जहां जाना है, नहीं रख सकती, तो समझ लेना ठाकुर जी मुझे बुला रहे हैं वृंदावन की ओर। ठाकुर जी चाहते कि आ जाओ, छोड़ो। पत्नी झगड़ा कर रही है, अरे बोले अब तो भैया बिहारी जी बुला रहे हैं, चलो वृंदावन, चलो अयोध्या जी। ठाकुर जी चाहते हैं कि भैया अब संसार का बन के मत रहो, अब मेरे बन जाओ, इसलिए ठाकुर जी बंधु विरोध करा रहे हैं। परिवार में प्रतिकूलता होना भी भगवान की कृपा है। अनुकूलता बनी रहेगी तो हमारा मन वहीं अटका रहेगा, पर जब वहां लोग झगड़ा करेंगे, लोग गालियां सुनाएंगे, अवहेलना करेंगे, उपेक्षा करेंगे, तो फिर लगेगा भैया थैला उठाओ और कहीं निकल लो। अब बस बात यह है कि कुछ लोग लताड़ खा के भी पड़े रहते हैं। पंकज जी, हमारे एक परिचित भोपाल में परिवार के लोग खूब लताड़ लगाते, बच्चे भी गालियां सुनाते, हमने आंखों से देखा, तरह तरह से जाने क्या क्या ना कह देते, और हम फिर धीरे से कहते चलो वृंदावन। अरे मैं चला जाऊंगा ये सब भूखा मर जाएंगे, अरे मैं चला जाऊंगा ये सब बर्बाद कर देंगे, ये उनके सब गाली खा रहे हैं, तिरस्कार झेल रहे हैं, और घर वाले सोच रहे हैं कि ये ना हो तो हम ज्यादा अच्छे रहेंगे, और उनके मन में क्या अभिमान है या क्या मन में भ्रम है, मैं नहीं रहूंगा तो ये नष्ट हो जाएंगे, मैं नहीं रहूंगा ये सब बर्बाद कर देंगे। भैया ये हमारा भ्रम है कि मैं नहीं रहूंगा तो ये हो जाएगा, अरे हम नहीं थे तब भी सब चल रहा था, हम नहीं रहेंगे तब भी सब चलता रहेगा, हमारे रहने नहीं रहने से कुछ नहीं होता। अरे जरा विचार करो, जब हम नहीं थे तो क्या दुनिया नहीं चल रही थी, और हम नहीं रहेंगे तो सब बंद हो जाएगा, अरे आज नहीं छोड़ के जाओगे कल तो जाना पड़ेगा, छोड़ के वृंदावन नहीं जा रहे, अयोध्या नहीं जा रहे, ठीक है बाद में वहां तो जाओगे, और जब जाओगे तो फिर तो कोई तो चलाएगा। भैया मनुष्य के अंदर कैसी माया है और कैसा मोह है कि वह मोह की रस्सी में ऐसा जकड़ा रहता है कि कोई कितना भी लताड़े पर घर से बैराग नहीं होता, ममता नहीं छोड़ती है। कि ममता तारण तमी अंधियारी, ममता तारण तमी अंधियारी, राग द्वेष हो लोकर उपकारे, राग द्वेष हो लोकर ममता तारण तमी अंधियारे, ममता Oh।
रहता है। अरे यदि जीवन में कठिनाइयां आ रही हैं ज्यादा, घर के लोग आंख दिखा रहे हैं, तो समझ लेना संकेत मेरे बांके बिहारी मुझे बुला रहे हैं। वो कह रहे हैं भैया अब तो छोड़ो घर की आसक्ति है।